हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका की टॉपिक है कि एक्वेरियस सोल ट्राइब का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो कि आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं 2024 के ख़त्म होने में, वो कैसे रहने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर कोई देख सकता है। अगर तो आपकी नाम राशि है एक्वेरियस या कुंभ, या फिर आपकी लग्न राशि है, आप राइजिंग साइन से देखते हैं, ठीक है, या फिर आपकी चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि, वेस्टर्न के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो जो आपका सन साइन है उसके हिसाब से भी अगर आप एक्वेरियस हैं, कुंभ हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और जनरल होने की वजह से ना, क्योंकि आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं ये रीडिंग्स, सो हो सकता है इसकी हर एक बात हर किसी के साथ पूरी पूरी रेजोनेट ना भी करे। सो जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, ठीक है, और एक कमेंट भी मैं पिन कर देती हूँ अक्सर, वहाँ पे भी सेम ही मोबाइल नंबर रहता है। तो क्योंकि टैरो की रीडिंग के अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक काउंसलिंग के मेरे सेशंस रहते हैं, नेम करेक्शन और मोबाइल करेक्शन, और आपका आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है, मैरिड कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपकी लव कंपैटिबिलिटी, आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे रहेंगे, तो उन सब चीज़ों में भी मैं डील करती हूँ। तो अगर इस तरह की कोई भी पेड सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप उस दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड एट ऑफ कप्स है, वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे है द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स है, मून का कार्ड है एंड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आई थिंक कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा ही मान के चलती हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हैं। यस, आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे एक तो ना हम 2024 की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2024 का ही हम देख रहे हैं कि जो अब बचा हुआ टाइम है वो कैसा रहने वाला है। और लाइफ में भी आप हमेशा नोटिस करेंगे एक चीज़ कि ना, जो भी आज आपके पास है या नहीं है, जो भी आपने एक्वायर किया है, अचीव किया है, वो जो आपके पास्ट के कर्मा थे, इसी लाइफ के पास्ट के कर्मा, और इसी लाइफ में जो आप लोगों ने डिसीजंस लिए, आज आप जैसे बोलते हैं ना कि उन्हीं की रोटी खा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का पानी पी रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी आज हैं पास्ट में लिए गए डिसीजंस और पास्ट में लिए गए आपके कर्म ही हैं, आपके काम ही हैं। तो इस 2024 में भी जो आपने अब तक किया है वो ही आपको लौटा दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ इसी साल की बात करूंगी, तो इसमें ना इसका काफी सारा टाइम तो आपने कुछ किसी कंफ्यूजन में निकाल दिया है, आप कंफ्यूज रहे हैं दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लेके, दो लोगों में से किसी एक इंसान को लेके, और लाइफ के दो डिसीजंस में से कि इस पे जाऊं कि इस पे जाऊं, किसी दो राह पे, और आपकी जो टाइम और एनर्जी है वो हमेशा ही बटा रहा है और क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही है माइंड में। हालांकि आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की अपने तरीके से कोशिश की है, ऐसा नहीं है, ये घर और परिवार और उसके साथ में जो आपका काम होता है, जॉब होती है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना हो सकता है, ये अपने परिवार वालों के बीच में और अपने पार्टनर के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जो होता है, परफेक्ट तो आप नहीं बना पाए हैं, कोई भी नहीं बना पाता है, बट एटलीस्ट यू ट्राइड, आप लोगों ने कोशिश की है कि हाँ दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर दिया है। और जब हम बैलेंस बनाते हैं, और वो बैलेंस तो हम बना ही नहीं पाते, एक परफेक्ट बैलेंस नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है, मोस्टली इसमें क्या होता है कि हम दोनों के बीच में सैंडविच बन जाते हैं और दोनों ही हमसे खुश भी नहीं होते बहुत बार। लाइफ का ये भी एक चीज़ है
कि अगर हम दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि बैलेंस कभी बनेगा नहीं, बट बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो उसमें बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि मैं इतना एफर्ट और इतना टाइम लगा क्यों रहा हूँ, नोबडी इज़ हैप्पी विद मी, कोई भी मेरे साथ खुश नहीं है, कोई भी मुझे समझता नहीं है, तो उसका एक प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर क्रिएट हुआ है। और ये बहुत बार इस चीज़ का कन्फ्यूजन भी होता है इंसान को कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और बहुत बार ये भी रहता है दिमाग में कि कन्फ्यूजन जो है वो एग्जैक्ट किस चीज़ का है वो भी पता नहीं चलता है। बहुत बार हम चलते चले जाते हैं बट हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी राह ठीक है कि नहीं है, हमारा डिसीजन ठीक है कि नहीं है, जो चीज़ हमने चुन ली है वो फ्यूचर में हमारे लिए कैसी रहेगी। इन सब चीज़ों में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और इस पूरे साल में ना एक जो डेस्पोंडेंसी होती है वो बनी रही है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि एक्वेरियस सोल ट्राइब का तो साढ़े साथी भी चल रही है, और साढ़े साथी भी अब मेरे ख्याल आप इन लोगों की पीक पे चली है, अभी 2024 में ना पीक पे चली है। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोगों के ना मन के भ्रम टूट जाना, मन के जाले साफ हो जाना, और इतना बैलेंस बनाते हुए, उतना टाइम और एनर्जी लोगों पे लगाते हुए, रिश्तों पे लगाते हुए, कहीं ना कहीं रिश्ते हाथ से छूट गए हैं, या रिश्ते हाथ में ही हैं अभी पर मन से छूट गए हैं। मन एक उचाट हो गया है, मन कहता है कि अगर यही लाइफ है, अगर यही रिश्ते हैं, अगर यही सच है, तो मतलब मुझे नहीं चाहिए ये सच। कहीं ना कहीं इस वाली उसमें एक हो जाता है, बहुत बार मन उचाट हो जाता है, मन भाग जाना चाहता है, हम कहीं छुप जाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं कि ठीक है, ये रिश्ते हैं मेरे, ये मेरे मेरी स्पाउस है, ठीक है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे कोलीग हैं, दोस्त हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो अगर यही इनका सच है तो फिर मतलब मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कहीं भाग जाऊँ, कहीं छुप जाऊँ। बट हम भाग नहीं सकते, हम छुप नहीं सकते, ये भी हमारा वहम ही है कि हम भाग सकते हैं, हम छुप सकते हैं, हमारा इन सब चीज़ों से छुटकारा हो सकता है। नहीं, जो हम सीखने के लिए आए हैं इस लाइफ में, और जो शनि की साढ़े साथी है वो भी मोटा मोटा एक इंसान की लाइफ में 3 बार आती है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही आ जाती होगी, कुछ कारण होगा, और लाइफ में एक बार नहीं 3-3 बार उसको आना पड़ता है, और बीच बीच में ढैया चलती रहती है लोगों की, वो भी आती है, और बीच बीच में और ढेर सारी महादशाएँ आती हैं, राहु केतु एंड मंगल एंड ऑल। और तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये सब साइकिल्स में क्यों आती हैं, क्योंकि कोई ऐसा लेसन हमें सिखाना होता है, और हर किसी का अपना अपना एक लेसन है जो वो अपने यूनिक वे में सीखता है कि अगर इतनी बार हमें भट्टी में से ना गुजारा जाए तो शायद हम निखरेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे सोने को इम्प्योरिटीज से हटाने के लिए, इम्प्योरिटीज हटाने के लिए उसकी उसको भट्टी में डालना पड़ता है, फर्नेस में डालना पड़ता है, तो सोने को अच्छा थोड़ा ना लगता होगा, ठीक है। तो वो कष्ट उसको सहन करना पड़ता है, वो तपिश उसको सहन करनी पड़ती है, तभी तो अच्छे अच्छे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे गहने बन पाते हैं, ठीक है ना, तभी तो ढल पाता है, नहीं तो मिट्टी का मिट्टी बना रह जाए। तो ये चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे मतलब 2024 आपका ऐसा गुजरा है कि सब कुछ है बट कुछ भी नहीं है, और एक डर में गुजरा है कि किसी को भी अगर मैं थोड़ा सा भी कसूंगा, किसी को भी अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करूंगा, तो वो अपना असली रंग दिखा देगा, क्योंकि आपके आसपास लोगों ने आपको असली रंग दिखाए हैं। ये होता है कार्ड, मून का कार्ड, असली रंग दिखाना। वो लोग जो बहुत प्यार करते थे, वो जो लोग कहते थे कि हमसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता, वो लोग जो आपकी कस्में खाते थे, वो जो कहते थे कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, बल्कि उन्होंने आपको पास्ट में कितने धोखे दिए हैं, ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। और ये भी है कि बहुत बहुत डिप्रेशन के शिकार रहे हैं आप, लेकिन अपना काम करते रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम करते रहे हैं, पर डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा था, और इस तरह का दुख था कि बयान नहीं कर पाए हैं, किसी को कह नहीं पाए हैं, अंदर ही अंदर छलनी कर गई हैं बहुत सारी चीज़ें, और ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब लोगों के असली चेहरे सामने आ जाना, और जो राग रंग में साथ थे वो कहीं ना कहीं, जो बोलते थे कि थिक एंड थिन में आपके साथ खड़े रहेंगे दुख एंड सुख में, लेकिन वो सिर्फ सुख के ही साथ ही निकले, दुख में छोड़ के भाग गए। ढेर सारे लोगों के रिश्ते भी टूटे हैं, और रिश्ते कुछ इस तरह से टूटे हैं कि हो सकता है आप साथ ही रह रहे हों उनके, क्योंकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये रिश्ते, इनके साथ रहूं चाहे इनको छोड़ दूं, चाहे ये मुझे छोड़ दें, सच्चाई ये है कि ये छूटे ही हुए हैं, ठीक है, स्किन डीप है सिर्फ।
हल्का सा मैं इनको कुरेदूंगा तो ये अपने असली रंग दिखा देंगे, तो ये डर भी रहा है। उस वजह से आपने बहुत कोशिश अपनी, जिसे कहते हैं बहुत कोशिश अपनी की है कि चीज़ें सही तरीके से चल जाएं किसी तरीके से, पर चीज़ें सही तरीके से नहीं चली हैं और बहुत आपकी हेल्थ भी खराब रही है, बट आप अपने काम पे लगे रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया और हेल्थ का ख़राब हो जाना, ये चीज़ें ना आपने दूसरों को महसूस ना होने दी हों और आप अपना जो रूटीन है वो ही सेम फॉलो करते रहे हों जो रहा है, क्योंकि आपको लगा है कि जो मेरी ड्यूटीज़ हैं एटलीस्ट मुझे वो तो पूरी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम्बल बनाया है आपको इस साल ने, 2024 ने अगर आपको मैं देखूं तो हम्बल बनाया है। आपके मन में कोई नफरत नहीं है, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं है, आपके मन में एक हर्ट है, डीप हर्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा ना क्वेश्चंस हैं आपके मन में। आपके मन में ये नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और आपके मन में यही है कि अगर ऐसा है, अगर मेरे रिश्ते इतने कोरे हैं, इतने कच्चे हैं, तो अच्छी बात है भगवान कि तुमने मुझे बताया, दिखाया, जताया कि हाँ तुम्हारे रिश्ते इतने कच्चे हैं, सो दैट कि मैं जो इनमें इतना इन्वेस्ट करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट मैं कहीं और लगा सकूँ, भगवान में लगा सकूँ, अपनी ग्रोथ में लगा सकूँ, ठीक है, अपने आप को निखारूँ, सेल्फ केयर करूँ, सेल्फ लव करूँ। तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती हों, तो कोई भी बैर, कोई बदले की भावना, इस तरह की चीज़ें आपके कार्ड्स में नहीं है और ना ही मैं परसीव कर पा रही हूँ आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से कि इस तरह की चीज़ें आपको हैं। बट हाँ, दुख हुआ है, बहुत बहुत दुख हुआ है और बहुत बहुत बेचैनी, बहुत बहुत तकलीफ़ से आप लोग गुजरे हैं। और देखना इसके बाद ना, जब ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप लोगों के ऊपर है, जो कि सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आपके नेटल मून के ऊपर से शनि जाते हैं, ठीक है, और मून वैसे ही आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशनल तकलीफ बहुत देता है। और अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो इस टाइम पे गाइस, तो आपने एकदम से अपने सारे बॉडी चेकअप्स कराने हैं, हेल्थ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं शनि की 7.5 के दूसरे फेज में, ठीक है। और वैसे भी एक वेरियस सोल ट्राइब बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो वाली चीज़ें नहीं हैं इनमें कि ये लियोज़ हैं या स्कॉर्पियोज़ हैं, झेल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े से नाजुक हैं आप लोग, तो अपना बहुत बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ के बाद अब मैं बताना चाहूँगी ये कि क्यों हुआ। हालांकि देखो, कार्ड्स ये बहुत बार हर रीडिंग में रिपीट हो जाते हैं, बट यहाँ पे इनका टोन डिफरेंट है। यहाँ पे ना डेप्थ, जो एक दर्द की होती है ना इंतहा, दर्द की डेप्थ होती है, दर्द में भी गहराई होती है। एक दर्द होता है सुपरफिशियल, एक दर्द होता है जो बहुत डीप पिंच करके चला गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दर्द है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऐसे कार्ड्स कुछ भी नहीं आए हैं, बट मैं वैसे परसीव कर पा रही हूँ, जनरली चैनलाइज कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी को, कि बहुत डीपली हर्ट आप लोग हो गए हैं यहाँ पे, और आपने कोई कोशिश नहीं की उसमें से बाहर निकलने की, लोगों को क्वेश्चन करने की और लोगों को सफाइयाँ देने की या उनसे सफाइयाँ लेने की या उनसे एक्सपेक्टेशंस की। और आपको जो दुख है वो भी एक अलग तरह का, एक यूनिवर्सल जो पेन होता है वही है, इंडिविजुअल नहीं है कि इसने पर्टिकुलर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, उस तरह की एनर्जी भी नहीं है आप लोगों की। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये देखो वर्ल्ड के कार्ड में ये जो स्नेक है ये खुद ही अपनी पूंछ खा रहा है, यानी कि काल चक्र खत्म हो रहा है। काल का चक्र था, एक साइकिल था, एक हैवी कार्मिक साइकिल था, और बहुत नेगेटिव कर्माज आप लोगों ने जोड़े हुए थे अपनी लाइफ में, आप पास्ट लाइफ से भी लेके आए हुए थे, आप इस लाइफ के पास से भी लेके आए हुए थे, तो वो सब यहाँ पे आपने बकाया चुका दिया है। अब आप लोगों के ऊपर कुछ भी डीलिंग्स इन लोगों के साथ नहीं रही है, तो अब अगर इन लोगों को आपके साथ रहना है तो इनको अपने पैतरे छोड़ने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपको ब्रेन वॉश करते आए हैं, जिस तरीके से आपका फ़ायदा उठाते आए हैं, आपको धोखे में रखते आए हैं, यास्तीन के सांप जो बने रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इनको वो अपने पैतरे छोड़ने पड़ेंगे। अदरवाइज यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा कि या तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, या ये आपको आपकी हाल पे छोड़ के चले जाएंगे, या यूनिवर्स आपको एनी हाउ इनसे दूर कर देगा, क्योंकि अब ये दो एनर्जीज़ हैं, दो एनर्जीज़ बहुत डिफरेंट हो गई हैं और डिफरेंट तरीके की दो एनर्जी साथ में नहीं रह सकती हैं। तो 2024 में अगर मैं बोलूँ, आपने एक जो चीज़ की है वो किया है खुद को इवॉल्व,
इवोल्व किया है, और जब आप इवोल्व हो जाते हो तो जो पुरानी फ्रिक्वेंसीज थी आप उनको छोड़ देते हो, आप उन पे वाइब्रेट होना बंद हो जाते हो, और जो पुराने लोग हैं जो पुरानी ही फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से निकाल दिए जाते हैं या वो खुद ही वहाँ से भाग जाते हैं। दो अलग अलग तरह के लोग, दो अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, या मेरी सासू माँ ऐसी हैं, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, और वो मुझे परेशान करते हैं, और मुझे बताओ मैं क्या करूँ। सो एकदम से कहना मुश्किल होता है, और आप लोगों को भी ना पिंच होती है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे हैं तो आप भी वैसे हैं, ठीक है। और वो बहुत अपने ऊपर काम करने के बाद पता चलता है कि अगर वो सीधे खड़े थे तो आप उल्टे खड़े थे कहीं ना कहीं, बट आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को मैच कर रहे थे। अगर वो फायदा उठा रहे तो आपकी एनर्जी थी फायदा उठवाने वाली, ठीक है। तो अगर आप उनसे दूर भाग भी जाएंगे तो आप किसी ऐसे इंसान के चुंगल में दोबारा जरूर फंसेंगे जो आपका फायदा उठाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी है कि आओ मेरा फायदा उठाओ। तो जिस दिन आप उस चीज़ को छोड़ देंगे उस दिन सामने वाला भी आपके साथ अलग तरह से बिहेव करने लगेगा। और आपने देखा भी तो होगा कि एक ही इंसान अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी अपनी लाइफ में कि एक पेरेंट का बिहेवियर एक बच्चे के लिए बहुत अलग होता है, दूसरे के लिए बहुत अलग होता है। एक इन लॉज का ना एक बहू के लिए अलग तरह का बिहेवियर होता है और दूसरी बहू के लिए अलग तरह का। क्यों? दोनों ही बहुएं हैं, ठीक है। अगर उनको डर के रहना है तो दोनों से ही डर के रहें, और प्यार करना है दोनों को ही करें। बट नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि एक बहू की एनर्जी अलग तरह की है और एक बहू की एनर्जी अलग तरह की है। जिस बहू की एनर्जी ऐसी है जो दबंग है, जिसको दबाया ही नहीं जा सकता, उसको फिर वो भी नहीं दबाते हैं। और एक है कि जो झुक जाती है हर जगह से, हर तरह से, हर बार उसको हर कोई झुकाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आप लोगों ने अपने लाइफ के लेसन सीखे हैं और बहुत अच्छे से सीखे हैं, और जब आप अपना लेसन सीख लेते हैं तो यूनिवर्स वो चीज़ें, वो लोगों को, वो सिचुएशंस को बदल देते हैं। तो अब क्योंकि पूरा साल आप अपने ऊपर काम करके आए हैं तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन को बदला जा रहा है। सबसे पहले मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों ने ना जब ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्वेशन की है, दूसरों की ऑब्जर्वेशन की है, लाइफ के पैटर्न्स की ऑब्जर्वेशन की है, लाइफ इटसेल्फ की ऑब्जर्वेशन की है, प्रॉब्लम्स कैसे जनरेट होती हैं, कैसे एस्केलेट होती हैं और कैसे एक्सटिंग्विश होती हैं, उन सब चीज़ों की आपने डीप स्टडी की है। आपने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया है, आपने ढेर सारी नई चीज़ें सीखी हैं, स्किल सीखा है। और यही तो है गाइस, जब आप बहुत लो फील करते हैं ना, या तो आप डिप्रेस हो जाइए या आप कंस्ट्रक्टिवली उस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्टिवली अपने पेन को, अपने हर्ट को, अपने डिप्रेशन को यूज़ किया है और उसे पैसे में कन्वर्ट किया है। देखो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सीखा है, कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं आपने, या तो स्किल सीखा है या स्किल शेयरिंग आप लोगों ने की है। पर जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, हो सकते हैं आपने कोई बुक लिख दी हो, ठीक है, और आप उसको पब्लिश कराइए आप लोग, वहाँ से पैसा आएगा। हो सकता है आप लोगों ने पोइट्री की हो, ठीक है, तो उनको आप सोशल मीडिया पे लेके आइए, किसी भी तरह से डिजिटल क्रिएटिंग आप कीजिए। तो जो भी आपका हुनर है, जो आपने सीखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको शोकेस करने का टाइम आ गया है, और आप उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना एनी हाउ शोकेस करेंगे, और वहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा, वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और तारीफ भी मिलेगी, ठीक है। वही चीज़ जिसको आपको लगता है कि इसमें क्या है, जब आप दूसरों के साथ उसको शेयर करेंगे तो वो बताएंगे कि ये कितनी खास चीज़ है, ठीक है। और जो भी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ है, जो कि डेफिनेटली हुआ है, और ये भी सिर्फ हमारे सोचने समझने का तरीका होता है कि टाइम वेस्ट हो गया है, जो टाइम भी हमारा वेस्ट होता है ना, उस टाइम पे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि अब हम दौड़ रहे हैं, अब हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने रेस्ट किया था, जो हमने सोचा था, समझा था, हमने रणनीति बनाई थी, हमने प्लानिंग की थी, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, तो वो सारा एक्सपीरियंस भी अब ये दौड़ने में, इस टाइम टाइम और एनर्जी के गैप को फुलफिल करने में काम आएगा। और आपको जो भी ज़रूरत होगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी कॉम्पिटिशन को विन करने के लिए, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, और उसमें भी आपकी जीत पक्की है। और दूर का सोचेंगे आप, आपके सपने सच होंगे, आपके पास हर तरह का वेपन होगा जो भी आप करना चाहते हैं, यानी कि रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, और हर तरह का सपोर्ट होगा,
तो करना आपने क्या है वो आपने जरूर सोच रखा होगा, देख रखा होगा, बट ये 3 महीनों में जो भी आपने करने की ठानी हुई है वो चीज़ें हो जाएंगी, आपके फेवर में होंगी, तेजी के साथ होंगी और आसपास के लोगों के सपोर्ट के साथ होगी, ठीक है? क्योंकि आप ही चेंज हो गए हैं तो हो सकता है सपोर्टिव लोग आप लोगों के फेवर में आ जाएं। और यहाँ पे फूल की एनर्जी है, दी फूल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं या आपको बेवकूफ़ होना है या आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने यही चीज़ परसीव की है, अभी अभी यही चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आया है कि लोग आपके बारे में जो मर्जी समझे आपने उनकी परवाह करनी छोड़ दी है, ठीक है? लोग, क्योंकि आप पहले अलग तरह के थे, ठीक है, अलग तरह से फ़न करते थे, अब आप अलग तरह के हो गए हैं, अब आप अलग तरह के फ़न करते हैं, हो सकता है फ्रेंड सर्कल भी आपका चेंज हो गया हो, कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया हो, ठीक है? जब हम आगे बढ़ने लगते हैं किसी एक जगह पे तो लोग पीछे छूटने लगते हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ आगे नहीं बढ़ते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका भी हम इतना क्यों पेन लेते हैं, ठीक है? हमें उनसे चाहिए होता है वैलिडेशन, तो आप लोगों ने वैलिडेशन छोड़ दिया है लाइफ में पहली बार। आपको अंदर से पता है आप क्या हैं, कितने पानी में हैं, ठीक है, आप कितने महान हैं, आपको पता है, आपको वो बाहर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है लोग अभी आपको बोलते हो ये तो बोरिंग है, ये तो ख़त्म हो गया, इसकी कहानी ख़त्म होगी, बस इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको पता है आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आपको पता है। तो आप बहुत परवाह इन 3 महीनों में और लाइफ में आगे भी जाके बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और यही होती है सीक्रेट रेसिपी ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल लोगों में आप हमेशा एक चीज़ देखोगे कि वो अकेले भी रह लेते हैं, लोगों के साथ भी रह लेते हैं और अकेलेपन को झेलना उनको आ गया होता है, वैलिडेशन की उनको ज़रूरत नहीं होती है, उनको इनर वैलिडेशन मिलता ही रहता है और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उसकी उनको परवाह नहीं रहती है। और यही है रियल सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होने के बावजूद भी दूसरों पे ही डिपेंडेंट रह गए हर चीज़ के लिए तो माय डियर सोल ट्राइब फिर आप सक्सेसफुल नहीं है। हो सकता है आप पैसे वाले हों बट आप सक्सेसफुल नहीं है। रियल सक्सेस यही है जो आपको इंडिपेंडेंस देती है लोगों के वैलिडेशन के डर से। आप डरते नहीं हैं, फिर घबराते नहीं हैं। थ्री ऑफ कप्स है तो मैंने बोला है कि जब आपके पुराने रिश्ते टूट गए हैं, पुराने कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं तो न्यू कनेक्शंस बनेंगे, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में अचानक से आ जाएंगे जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जो आपके जैसे हैं, जो प्यार को प्यार समझते हैं, जो प्यार को रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि फ़ायदा उठवाने वाली एनर्जी में ना आप रहे हैं ना आपके आसपास वो लोग आएंगे जो आके आपका फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि आप एक सपोर्ट सिस्टम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, सपोर्टिव लोग, लाइक माइंडेड लोग जो आगे बढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके आसपास के लोग भी आगे बढ़ें, साथ चलने में, दूसरों को साथ लेके चलने में, अपने ट्राइब को साथ लेके चलने में, अपनी सोल फैमिली को साथ लेके चलने में, ठीक है? एक हमारी अपनी फैमिली होती है, बायोलॉजिकल फैमिली, एक होती है हमारी सोल फैमिली। जब हम स्पिरिचुअली अलाइन करते हैं अपने ट्रू सेल्फ के साथ तो हमारा कनेक्शन बनता है हमारी सोल फैमिली के साथ, जो सोल की जर्नी में, ये जो हमारी बायोलॉजिकल फैमिली है हो सकता है 10-20 जन्म से ही हमारे साथ हो, लेकिन जो सोल फैमिली हमारी होती है वो लाखों लाखों जन्मों से, और जो सोर्स था हमारा और जब सोर्स से अलग हुए थे तब से हमारे साथ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिजिकल सेंस में लूँ तो मैं ये बोलूँगी आपको कि पैसा आपके पास आएगा, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ आपके पास आएगी, अपने डरों से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट आप हो जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों का संग साथ मिलना और प्यार मिलना और किसी तरह की सक्सेस पार्टी हो सकती है आपके आसपास, किसी तरह की पार्टी हो सकती है, किसी तरह की शेयरिंग हो सकती है, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं या आप किसी ऐसे ट्रिप पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको आपके लाइक माइंडेड लोग मिलें और जिसके बाद लाइफ में आपको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी वैलिडेटेड फील हो, ठीक है? सो यहाँ पे ओके, देखो ये वाला जो कार्ड होता है ना मून, यही यहाँ पे पॉलिटिक्स वाला कार्ड होता है, तो आपके आसपास ना गाइज ये पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, अभी भी है। मैंने बोला है कि आपने उनको भगाया नहीं है, आपने उनसे लड़ाई नहीं की है, वो भी आपको छोड़ के नहीं गए हैं, ठीक है? तो इनसे आपको सावधान रहना है, इन 3 महीनों में भी ये आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इनके शिकार हैं, अपने शिकार को इतने ईजीली ये
अपने हाथों से निकलने नहीं देंगे। और इनका असली चेहरा ये नहीं है जो आपको दिखता है, इनका असली घिनौना चेहरा ये है। और मैंने पहले ही बोला था कि आस्तीन के सांप हैं ये लोग, इस कार्ड के थ्रू ही बोल दिया था, वो ही कार्ड आ गया है। और यहाँ पे है एग्जॉशन, और आप बहुत थक चुके हैं इनके साथ ना बार बार उलझ के उन्हीं सेम चीज़ों में। और आपको ये भी समझ नहीं आता बहुत बार कि मैं सेम ही तरह से क्यों उलझ जाता हूँ, क्योंकि ये आपको उलझाए रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी का कुछ इस तरह से क्लच इन्होंने किया हुआ है कि ये नहीं चाहेंगे कि आप इनको छोड़ के कभी भी आगे बढ़े। बहुत इन्होंने आपको थका दिया है, इन्होंने आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर लेवल पे थका दिया है। एंड क्लिंगिंग टू डी पास्ट है, और आप भी अपने पुराने सेल्फ को, अपनी पुरानी लाइफ को, पुराने रिश्ते को, और हो सकता है लाइफ में बचपन में कुछ इस तरह के चाइल्डहुड इश्यूज आप लोगों को रहे हों, इनर चाइल्ड ट्रोमा आपको रहा हो और अभी भी हो, उसकी वजह से आप लोग अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। पास्ट को नहीं छोड़ पाते हैं तो पास्ट के पैटर्न्स को नहीं छोड़ पाते हैं, वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में हैं तो ये लोग आपकी लाइफ में बने हुए हैं जो आपका टाइम और एनर्जी बहुत अच्छे से सक कर रहे हैं, और बहुत बहुत स्ट्रेस इन लोगों ने आपको दिया हुआ है। तो चॉइस इज योर्स कि आपने क्या करना है गाइज। और यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आप लोगों के लिए ना मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा, और आप लोगों की लाइफ में ना मेडिटेशन के बाद, क्लैरिटी ऑफ माइंड के बाद ही न्यू स्टार्ट है। और न्यू स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप्स में भी है, और जॉब में भी है, करियर में भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और आप बहुत बहुत नज़दीक हैं, बस आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, तो पैसा भी आप अच्छा खासा कमा लेंगे, पैसे के जरिए पैसे की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आएगी इस टाइम पे। अगेन से मेडिटेशन आया है, तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि रीडिंग से मुझे समझ में आ रहे हैं कि कुछ सवाल हैं। बहुत बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि लाइफ से बड़े बन जाते हैं हमारे लिए। हमें होता है कि इस लाइफ में सिर्फ अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए ना तो बस सब कुछ मिल गया, तो वो मेडिटेशन से मिलेगा गाइस, ठीक है। और किसी भी चीज़ को अगर माइंड में रख के आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है तो उस चीज़ का जवाब है यस। और यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, और इफ़ यू बिलीव के लिए मैं कार्ड लूंगी कि हमें क्या बिलीव, क्या बात हो रही है, कि कौन सा बिलीव की बात हो रही है। और इम्प्रूविंग हेल्थ है आप लोगों के लिए, हर तरह की हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, यस। तो अगर आपको विश्वास है भगवान पे, अपने आप पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, तो 10 of Swords जैसी जो आपकी हालत है, जो आपकी लाइफ की जो हालत खस्ता है पूरे 2024 से ही, तो आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन का सहारा लीजिए, हेल्पफुल पीपल आप लोगों को मिलेंगे, आपकी खुद की हेल्थ इम्प्रूव होगी, और ढेर सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी इन 3 महीनों में, और ढेर सारा कुछ अच्छा, अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्त और अच्छी हेल्थ, इस सब तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, रीडिंग लाइक कीजिएगा, लाइक माइंड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट अपना मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. God bless you all.